नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे दोस्तों 19वां चैप्टर ये है दोस्तों, आपके अफवाह तंत्र। इससे पहले दोस्तों 18 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं उससे संबंधित वीडियो तो दोस्तों लैब असिस्टेंट नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी है, यानी लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से, किससे लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर दोस्तों आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों आज के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। हमारे आज का पहला प्रश्न दोस्तों, वाहिकाओं के जाल को कहते हैं, आसान सा प्रश्न, क्या कहते हैं इसे कहते हैं दोस्तों अफवाह तंत्र। अब वाहिकाएं क्या होती है प्रश्न बनता है, तो वाहिकाएं दोस्तों वर्षा से प्राप्त वह भाग जो भूपृष्ठ पर सरिताओं या नदियों के रूप में प्रवाहित हो, यानी सरिताओं और नदियों के रूप में प्रवाहित होने वाले को क्या कहते हैं, यही कहते हैं दोस्तों वाहिकाएं। और वाहिकाओं के जाल को कहते हैं दोस्तों आपके अफवाह तंत्र। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। अब वाहिकाएं क्या है दोस्तों आपको समझ आया होगा, यानी वर्षा से प्राप्त वह जल जो सरिताओं या दोस्तों नदियों के रूप में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही वाहिकाएं कहते हैं। और वाहिकाओं के जाल को हमारे कहते हैं अफवाह तंत्र। तो स ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अफवाह प्रतिरूप है। तो दोस्तों इनमें से आपके ये सभी है, यानी वृक्षाकार प्रतिरूप, अर्य प्रतिरूप और चालीनुमा प्रतिरूप, यहाँ पे प्रतिरूप है। तो उपरोक्त सभी आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, यानी द ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। अब वृक्षाकार की बात करें दोस्तों, जब पेड़ की शाखाओं के अनुरूप जब नदियाँ प्रवाहित होती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपके वृक्षाकार प्रतिरूप। और अर्य की बात करें दोस्तों, तो ये दोस्तों जब पर्वत से निकलकर अलग अलग दिशाओं में, जब पर्वत से निकलकर अलग अलग सभी दिशाओं में दोस्तों जब नदियां प्रवाहित होती है तो इसे कहते हैं दोस्तों हमारे अर्य प्रतिरूप। और अगर बात करें जालीनुमा प्रतिरूप की, तो जालीनुमा प्रतिरूप है जब दोस्तों नदियां समांतर बहती है और दोस्तों एक दूसरे को काटती है, तो जालीनुमा क्या करती है, आकृति बनाती है, तो इसे ही कहते हैं हमारे दोस्तों जालीनुमा प्रतिरूप। एक और प्रतिरूप है दोस्तों हमारे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। कौन सा अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, इसके बारे में चर्चा करें तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप यानी दोस्तों जब सभी दिशाओं से नदियां एक स्थान पर आकर एक गर्त में मिलती है तो या एक झील में मिलती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपके अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो इन प्रतिरूपों को सभी को ध्यान में रखिएगा, इसमें से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो द ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर होगा, यानी इसमें से आपके वृक्षाकार प्रतिरूप, अरे प्रतिरूप, जालीनुमा प्रतिरूप और अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, ये सभी आपके प्रतिरूप है, यानी उपयोग सभी आपके प्रतिरूप है। और इसके बारे में भी दोस्तों हमने चर्चा की कि ये किस प्रकार के प्रतिरूप है। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों तीसरा प्रश्न है, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में विसर्जित होती है तो इसे कहते हैं, इसकी दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील में या किसी गर्त में विसर्जित होती है तो इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हमारे अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों चौथा प्रश्न है, जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे कहते हैं, तो सब नदियां दोस्तों पर्वत से निकलकर, इसकी भी दोस्तों हमने पहले प्रश्न में सॉरी दूसरे प्रश्न में दोस्तों हमने चर्चा की थी कि जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो इसे कहते हैं दोस्तों आपके अर्य प्रतिरूप, यानी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहने वाली नदियां जो प्रतिरूप बनाती है उसे कहते हैं दोस्तों आपके अर्य प्रतिरूप। एक अभिकेंद्रीय था, यानी जो सभी दिशाओं से नदियां एक स्थान पर मिलती है तो वो हो गया दोस्तों आपके अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। लेकिन हमें पूछा है जब एक स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है तो उसे कहते हैं दोस्तों आपके अर्य प्रतिरूप। तो ब ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा।
चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों पांचवा प्रश्न है, समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों समुद्र में गिरने वाली नदियों आदि के आधार पर दोस्तों अपवाह तंत्र को बांटा गया आपके दो भागों में। ये दो भाग कौन कौन से, अरब सागर में गिरने वाली नदियां और दोस्तों दूसरा है दोस्तों आपके बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, यानी अरब सागर का अपवाह तंत्र और दोस्तों बंगाल की खाड़ी का, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, यानी समुद्र में जल विसर्जन के आधार आपके दो प्रकार है। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले दोस्तों, ये प्रश्न आपके कौन सा हो गया, छठा प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे छह नंबर है ये, शायद दो बार हो गया अब रिपीट। आगे दोस्तों छठा प्रश्न है, छठा है दोस्तों आपके, सिंधु नदी का अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तारित है या किन देशों में विस्तारित है। तो सिंधु नदी दोस्तों भारत, चीन और पाकिस्तान उपयुक्त सभी देशों में आपके दोस्तों विस्तारित है। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन कौन सी है, सबसे बड़ी नदी एक ही है दोस्तों आपके, ये है चिनाब नदी। कौन सी है, चिनाब नदी। और सहायक नदियों की बात करें तो झेलम भी इसकी सहायक नदी है, रावी है, व्यास है, सतलुज है, ठीक है ना दोस्तों। और सबसे बड़ी के बारे में पूछा है तो सबसे बड़ी है आपके दोस्तों चिनाब। तो स ऑप्शन आपका इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आठवां प्रश्न है, हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हिमालय में दोस्तों सिंधु नदी आपके उदाहरण किस अपवाह का है। तो ये है दोस्तों आपके पूर्ववर्ती अपवाह का, किससे का, पूर्ववर्ती अपवाह का। तो द ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, सिंधु नदी की कुल लंबाई है। अब दोस्तों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि दोस्तों आपके पाठ्य पुस्तक में दे रखा है 2880 किलोमीटर और कहीं अलग जगहों पर 3180 किलोमीटर भी दे रखा है। यानी कि दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक है आपके उसमें 2880 दे रखा है, तो इसका सही तरीके से ही माना जाएगा। अब ये इसकी तो क्या हो गई, कुल लंबाई, और कहीं कहीं पर दोस्तों आपके 3180 भी दे रखा है। और अगर बात करें दोस्तों भारत में, तो भारत में सिंधु नदी की लंबाई है दोस्तों आपके 1114 किलोमीटर। अब भारत की दृष्टि से पूछे, यानी भारत में दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई कितनी है अगर प्रश्न बने, तो ये है दोस्तों आपके 1114 किलोमीटर। कुल का पूछे तो ये आपके 2880 या फिर दोस्तों 3180, तो आपके पाठ्य पुस्तक में 2880 दे रखा है, तो इसको थोड़ा सही माना जाएगा। तो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दसवां प्रश्न है, भारत में गंगा नदी की लंबाई है। तो दोस्तों भारत में गंगा नदी की लंबाई है हमारी 2525 किलोमीटर। तो ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों प्रश्न है, दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं। अब किसकी सहायक नदियां, तो ये दोस्तों आपके गंगा की, थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट है, गंगा की सहायक नदियां कौन कौन सी, यानी दाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। इनमें से है दोस्तों आपके यमुना, टोंस और दोस्तों सोन। कौन सी है, यमुना, टोंस और सोन, ये किससे मिलती है, दाएं तट पर। और बाएं की बात करें तो ये हो गई दोस्तों आपके बाएं तट पर मिलने वाली नदियां। कौन सी, बाएं तट पर, तो ये आपके रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और दोस्तों महानदी, ये बाएं तट से मिलती है और ये मिलती है दोस्तों आपके दाएं तट से। तो अ ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखिएगा, दाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन सी, किसकी, गंगा की दाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां हैं आपके यमुना, टोंस और सोन, और बाएं तट पर मिलने वाली नदियां होगी रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले 12वें प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी दोस्तों, नमामि गंगे परियोजना कार्यक्रम कब अनुमोदित किया गया।
तो ये किया गया दोस्तों आपकी जून 2014 में, कब किया गया, जून 2014 में। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, इसका दोस्तों आपके दो उद्देश्य थे और ये एक एकीकृत संरक्षण मिशन था। किस प्रकार का मिशन था, एकीकृत संरक्षण मिशन। अब इसके आपके उद्देश्य थे गंगा में प्रदूषण, गंगा में प्रदूषण प्रभाव कम करना और दोस्तों इसका संरक्षण करना, किसका, गंगा नदी का संरक्षण करना, क्योंकि दोस्तों गंगा भारत में हमारे सबसे पवित्र मानी जाती है। और दोस्तों ये आपके नमामि गंगे परियोजना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट और दोस्तों पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं, उस प्रकार की दोस्तों आपके ये परियोजना थी। अब फ्लैगशिप प्रोजेक्ट और पायलट प्रोजेक्ट क्या होते हैं, यानी इसमें प्राथमिक योजनाओं से ज़्यादा जब, यानी केंद्र सरकार या फिर दोस्तों राज्य सरकार जब दोस्तों ज़्यादा महत्व देती है किसी परियोजना को तो उसे ही फ्लैगशिप प्रोजेक्ट या फिर दोस्तों आपके पायलट प्रोजेक्ट कहते हैं। तो हमारे इसका सही उत्तर तो होगा ऑप्शन अ, यानी कब अनुमोदित किया गया ये कार्यक्रम नमामि गंगे परियोजना, ये किया गया आपके जून 2014 में। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य साथी दोस्तों सीधा सा गंगा में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना और गंगा नदी का दोस्तों संरक्षण करना। तो अ ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 13 प्रश्न है, बंगाल का सौक किस नदी को कहते हैं, ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बंगाल का सौक किस नदी को कहते हैं, ये कहते हैं दोस्तों आपके दामोदर नदी को। किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। और अगर इसके बात करें उद्गम की, किसकी उद्गम की, तो इसका उद्गम होता है दोस्तों आपके छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार झारखंड से। कहां से होता है, छोटा नागपुर पठार झारखंड से। तो अ ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। अब हमने उद्गम की भी चर्चा की, प्रश्न बने कि दामोदर नदी का उद्गम कहां से होता है, छोटा नागपुर पठार झारखंड से। कहां से होता है, छोटा नागपुर पठार झारखंड से। अब दोस्तों इससे और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, क्या बनता है कि इस नदी पर स्वतंत्र भारत की दोस्तों पहली घाटी परियोजना, ये दोस्तों आपके पहली घाटी परियोजना बनी, ये बनी दोस्तों आपके 1948 में। कब, 1948 में। अब दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, यानी बाढ़ बचाव, तो बाढ़ के बचाव, तो यानी दोस्तों बंगाल का सौक का मतलब क्या हुआ, यानी ये नदी दोस्तों आपके बंगाल में आपके बाढ़ का कारण बनती है। यानी अब इस बाढ़ के बचाव हेतु दोस्तों आपके घाटी परियोजना थी, आपके स्वतंत्र भारत की पहली घाटी परियोजना इस नदी पर, और ये थी आपके दोस्तों 1948 में। और ये थी दोस्तों आपके डीवीसी, जिसे क्या कहा गया, डीवीसी। तो डीवीसी यानी दोस्तों दामोदर वैली कॉरपोरेशन, यानी दामोदर वैली परियोजना। और ये थी दोस्तों आपके टीवीसी पर आधारित, कौन सी दोस्तों, टीवीसी पर आधारित। अब टीवीसी का मतलब क्या, टीवीसी का मतलब होता है दोस्तों टेनेसी वैली कॉरपोरेशन। ये अमेरिका की दोस्तों जो घाटी परियोजना थी उस परियोजना पर दोस्तों आपके आधारित थी डीवीसी, दामोदर घाटी परियोजना, और ये आधारित थी दोस्तों आपके टीवीसी पर। आप दोस्तों कन्फ्यूजन आपको बन रहा होगा कि टीवीसी और डीवीसी क्या है। टीवीसी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, यानी दोस्तों जो अमेरिका में परियोजना चलाएगी उसकी दोस्तों आधार पर, उसी के आधार पर दोस्तों दामोदर नदी पर आपके डीवीसी परियोजना चलाई गई। डीवीसी का मतलब हुआ दामोदर वैली कॉरपोरेशन, और ये चलाएगी दोस्तों आपके 1948 में, और ये दोस्तों आपके स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी। तो ध्यान में दोस्तों रखिएगा, टीवीसी और डीवीसी में आपको अंतर पता चला होगा, यानी दोस्तों आपके डीवीसी थी जो टीवीसी पर आधारित थी, ये, और ये टीवीसी क्या थी, टीवीसी थी दोस्तों आपके अमेरिका की दोस्तों टेनेसी वैली कॉरपोरेशन, यानी टेनेसी घाटी परियोजना। तो आपके इसका सही उत्तर ऑप्शन अ होगा, यानी बंगाल का सौक किस नदी को कहते हैं, आपके कहते हैं दोस्तों आपके
दामोदर नदी को, किस नदी को कहते हैं, दामोदर नदी को। और इसका उद्गम की भी दोस्तों हमने चर्चा की थी, इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार कहाँ से, झारखंड से। और ये आपके स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना थी, इसके बारे में भी दोस्तों थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो अ ऑप्शन दोस्तों हमारे इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न दोस्तों 14, बिहार का सौ किस नदी को कहते हैं। तो दोस्तों बिहार का सौ कहते हैं कोसी नदी को। ये भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों आपके ऑप्शन स। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। निम्न को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों ये तो आपके भली आप 3 स्टार लगाओ और भली आप 4 स्टार लगाओ, जितने भी स्टार लगाओ वो कम है दोस्तों। इनमें से आपके 101% प्रश्न बनने की दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है। अब ये निम्न को सुमेलित कीजिए, तो ये सभी तो दोस्तों आपके सुमेलित है। ये क्या है दोस्तों आपके पंच प्रयाग है। क्या है, 5 प्रयाग है। और ये कहाँ पर है, ये दोस्तों आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। और दोस्तों ये प्रयाग बनते हैं आपके नदियों के संगम पर। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि नदियों का संगम भारत में क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। तो आपके अलकनंदा व धौली गंगा के आपके संगम पर बनता है विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदकिनी के संगम पर बनता है आपके नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडर के संगम पर बनता है आपके कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर बनता है आपके रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर बनता है दोस्तों आपके देव प्रयाग। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है दोस्तों आपके, इसमें से आपके 101% इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है। यानी दोस्तों आपके 15% में जितने भी ये 5 दे रखे हैं, इनमें से ये 5% है दोस्तों, यानी किन किन नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है, तो इनमें से आपके प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो विष्णु प्रयाग किस पर बनता है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और आपके देव प्रयाग। ये है दोस्तों आपके पंच प्रयाग और ये सभी प्रयाग है उत्तराखंड में स्थित। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। तो इसका सभी ध्यान रखिएगा और ये सभी दोस्तों आपके सुमेलित है। क्या है, सुमेलित है। चलते हैं हमारे अगले 16% की ओर। 16% दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, ये आपके चेमायुंगडुंग हिमनद। कौन सा है दोस्तों, चेमायुंगडुंग हिमनद। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों ये आपके कैलाश पर्वत श्रेणी में, कहां पर, कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट, झील के निकट है। और दोस्तों तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो, जिसका मतलब क्या होता है, शोधक। सांगपो का मतलब क्या होता है दोस्तों, शोधक। तो इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न बने कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कौन से हिमनद से होता है, यह होता है आपके चेमायुंगडुंग हिमनद से। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले 17% की ओर। 17% दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों बाह्य तट की आपके सहायक नदियां हो गई बूढ़ी, दींग, धनसरी, लोहित और दिबांग। और दाएं तट की बात करें तो दाएं तट की हो गई आपके दोस्तों सुबनसिरी, कौमेंग, मानस और संकोच। ये कौन सी है आपके, ये आपके दाएं तट की और ये आपके बाएं तट की। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। तो हमें पूछा है हमारे बाएं तट की, तो अ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और दाएं तट की पूछे तो दाएं तट की आपकी ये हो जाएगी, यानी सुबनसिरी, कौमेंग, मानस और संकोच। तो अ ऑप्शन हमारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 18% की ओर। अगला दोस्तों 18% है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है। ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये किस नदी पर है, ये दोस्तों आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और इसके बारे में दोस्तों फैक्ट है, कुछ ध्यान रखिएगा। 2004-05 में, कहाँ, कब, 2004-05 में दोस्तों इसे विश्व धरोहर में, इसे विश्व धरोहर में दोस्तों शामिल किया गया। ध्यान में रखिएगा 2004-05 में इसे विश्व धरोहर, यानी माजुली द्वीप को विश्व धरोहर में दोस्तों शामिल किया गया। और दोस्तों 2016 में इसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड, किसमें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों शामिल किया गया। तो इनके बारे में दो ये फैक्ट है, इसका दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। तो अ ऑप्शन हमारे इसका राइट
आंसर होगा, यानी माजुली द्वीप किस नदी पर है, यह आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ये सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा क्या है, नदीय द्वीप है। क्या है दोस्तों? नदीय द्वीप। और 2004-05 में इसे दोस्तों विश्व धरोहर में, और 2016 में दोस्तों आपके गिनीज वर्ल्ड में दोस्तों इसे शामिल किया गया। चलते हैं हमारे अगले 19वें प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? तो ये बना है दोस्तों आपके लोहित नदी पर। कौन सी नदी पर? लोहित नदी पर। और ये दोस्तों आपके लोहित नदी है आपके ब्रह्मपुत्र नदी की। किसकी? ब्रह्मपुत्र नदी की मुख्य उपनदी। कौन सी है? मुख्य उपनदी। तो भारत का सबसे लंबा पुल है दोस्तों आपके लोहित नदी पर। अब इसकी बात करें अगर पुल की, किसकी दोस्तों? पुल की। तो इसकी लंबाई है दोस्तों आपके, अब ये पुल कौन सा है? तो पुल है आपके भूपेन हजारिका पुल, भूपेन हजारिका। यानी कि प्रश्न बने कि भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो ये दोस्तों आपके भूपेन हजारिका पुल। और ये कहाँ पर है? ये दोस्तों आपके लोहित नदी पर। और इसकी लंबाई दोस्तों आपके 9.15 किलोमीटर। कितनी है? 9.15 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन दोस्तों 26 मई 2017 को। कब? 26 मई 2017 को हमारे पीएम महोदय यानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। और दोस्तों बात करें पुल की, तो इसका दोस्तों एक छोर तो है आपके अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और आपके डोला कस्बे में। कौन से? डोला कस्बे में। और दूसरा छोर है दोस्तों आपके असम में। कहाँ पर? असम में। और ये आपके सदिया कस्बे में। कौन से? सदिया कस्बे में। इस कारण इसे डोला सदिया पुल भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों आपके अरुणाचल प्रदेश के डोला कस्बे में, और दोस्तों एक छोर है आपके अरुणाचल प्रदेश के डोला कस्बे में, दूसरा है आपके दोस्तों असम के सदिया जिले में। इस कारण इसे डोला सदिया भी कहते हैं। और ये आपके भारत का सबसे लंबा पुल है आपके भूपेन हजारिका पुल। और इसका उद्घाटन दोस्तों 26 मई 2017 को श्रीमान नरेंद्र मोदी जी द्वारा दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। और ये आपके भूपेन हजारिका पुल। और किस नदी पर है? ये दोस्तों आपके लोहित नदी पर। कहाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश दोस्तों असम में। कहाँ से कहाँ तक है? अरुणाचल प्रदेश से असम में। और इसकी लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों आपके 20वां प्रश्न है, सिक्किम व उत्तर बंगाल की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो दोस्तों सिक्किम व उत्तर बंगाल की जीवन रेखा किसे कहते हैं दोस्तों? तो ये कहते हैं दोस्तों आपकी तिस्ता नदी को। किसे कहते हैं दोस्तों? तिस्ता नदी को। और अगर इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम दोस्तों जैमू हिमनद से। कहाँ से? जैमू हिमनद से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और दोस्तों सिक्किम व पश्चिम बंगाल में बहती हुई ये किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है दोस्तों आपके ब्रह्मपुत्र में। किस में? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। कौन सी? तिस्ता नदी। और ये कहते हैं दोस्तों आपके सिक्किम व उत्तर बंगाल की जीवन रेखा इसे कहते हैं। तो अ ऑप्शन हमारे इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न दोस्तों, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो नर्मदा घाटी दोस्तों है आपके सतपुड़ा व दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा निर्माण नहीं करती है? तो इनमें से दोस्तों कौन सी नदी है जो डेल्टा निर्माण नहीं करती है? तो ये है दोस्तों आपकी नर्मदा नदी। कौन सी है दोस्तों? नर्मदा नदी। और ये नदी आपके ब्रंज घाटी में बहती है। ये नदी आपके ब्रंज घाटी में बहने वाली नदी है। कौन सी है दोस्तों? ब्रंज घाटी में बहने वाली नदी। और कावेरी के बारे में दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। और इसे दक्षिण गंगा कहते हैं किसे? गोदावरी को। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, दक्षिण भारत की गंगा हो गई आपके कावेरी, दक्षिण गंगा हो गई आपके गोदावरी। तो इस प्रश्न का तो हमारे सही उत्तर ऑप्शन द होगा, यानी नर्मदा नदी जो कोई भी डेल्टा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। चलते हैं हमारे अगले 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न दोस्तों, सोन नदी महानदी तरह नर्मदा
कहाँ से निकलती है? सोन नदी, मां नदी तथा दोस्तों नर्मदा कहाँ से निकलती है? ये निकलती है आपके अमरकंटक से। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 24% की ओर। 24% दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये दोस्तों आपके गोदावरी। कौन सी है? तो गोदावरी। इसे इसे कहते हैं दक्षिण गंगा। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण गंगा। ध्यान में रखिएगा, दक्षिण गंगा। एक है दोस्तों आप दक्षिण की गंगा। दक्षिण की गंगा तो आपको कावेरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा कहते हैं दोस्तों आपकी गोदावरी को। तो अ ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो ये किस नदी की है? तो ये है दोस्तों आपके गंगा नदी की। किसकी है? गंगा नदी की। तो स ऑप्शन दोस्तों आपके इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों हमारे नए वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।